Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. अगर आप एक ऐसे relationship में हैं, जहाँ पर आपके partner आपको call नहीं कर रहे हैं, आपको message नहीं कर रहे हैं, आपसे contact नहीं कर रहे हैं, अपने दिल की बात आपसे नहीं कह रहे हैं, तो आज की reading आपके लिए है. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं, जिसका टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे, क्या वो आपके साथ कम्युनिकेशन टर्म्स में आएंगे. आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो ये रीडिंग आपके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट जरूर होगी. यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है. जिस तरीके से मैं आपको पाइल की सिलेक्शन करने को कहूंगी, प्लीज उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल पाए एनर्जीज की. सो यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है. दिस इज पाइल नंबर वन एंड दिस इज पाइल नंबर टू. पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है. आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है. सो पाइल नंबर वन में है UADYSKWOMICGH एंड पाइल नंबर टू में है VZPQLBEJNTXRF. तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है, क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे. आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर का आपके साथ कम्युनिकेशन सेटअप होगा, क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे. आइए देखते हैं पाइल नंबर वन के लिए, क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे. सो बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ कैलिसिस का कार्ड है, द सन का कार्ड है यहाँ पर, द नेक्स्ट कार्ड इज द ओक किंग का कार्ड है, द यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, किंग ऑफ कैलिसिस का कार्ड है, ओके, द अर्थ मदर का कार्ड है एंड द विच का कार्ड है. ओके, सो आइए जानते हैं अब हम इस डेक से क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे. फॉर पाइल नंबर वन पीपल, आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे. फॉर पाइल नंबर वन पीपल, लेट्स सी क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे. इस डेक से देखते हैं, लेट्स सी. तो पहला कार्ड नाइन ऑफ मटेरियल्स का कार्ड निकल कर आया है. द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ इंस्पिरेशन. ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड कॉस्मोस का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ इमोशंस का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेन ऑफ वॉइसेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टेन ऑफ इमोशंस का कार्ड है. ओके, जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है, सबसे पहले मैं आपको आपके पार्टनर के जोडियक साइंस के बारे में बताना चाहूंगी. यहाँ पर जो मुझे आपके पार्टनर के जोडियक साइंस नजर आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो कैंसर पाइसिस, देन इज एरियस लियो सैजिटेरियस, देन इज एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा एंड सबसे कम यहाँ पर कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस है. आपके पार्टनर का आपके साथ कम्युनिकेशन सेटअप होगा या नहीं, यही आज हम जानने वाले हैं. देखिए, आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपसे बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, ठीक है. आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका उनके पार्टनर के साथ थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका होगा, और कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें बहुत इंट्यूटिवली ये चीज फील हो रही होगी कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करने वाले हैं. आपके पार्टनर के मन में भी यही है, वो आपको कॉल या मैसेज करके दोबारा से सभी चीजें स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने इस रिश्ते का अंधकार दूर करना चाहते हैं, आपको खुशियां देना चाहते हैं, खुद खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, और एक केयरफ्री रिश्ते में एंटर करना चाहते हैं. सो आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आना इस पॉइंट पर बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा है इस चीज के लिए.
ठीक है, आपके पार्टनर अपनी ही कंपनी से अब परेशान हो चुके हैं, वो आइसोलेट और ज्यादा नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने आइसोलेशन अपनी लाइफ में महसूस की है, लेकिन अब ये आइसोलेशन उन्हें उस तरह की खुशियां नहीं दे रही है। आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में आपसे जो ये दूरियां बनाई, उसके बाद उनके लाइफ के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिससे मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए उनका नजरिया चेंज हो गया। उनके लिए अब पैसा मैटर नहीं करता है, उनके लिए अब इमोशंस मैटर करते हैं। आपके प्यार का एहसास उन्हें कहीं ना कहीं अब होने लगा है। आपके प्यार में कभी कभी कमी थी ही नहीं, इस चीज की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को है। उनके एंड से ही सारी कमियां थीं, ये वो अब समझ पा रहे हैं। जी हाँ, ये आप ही के पार्टनर हैं जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, जो हमेशा आपको हर एक चीज के लिए ब्लेम करते हैं। आज वो आपसे बात करके अपने इमोशंस को व्यक्त करना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत टाइम से आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जीवन में आपने किसे अपनी प्रायोरिटी बनाया है, आपके लाइफ के अंदर कोई और पर्सन तो नहीं है, आप अपनी लाइफ को किस तरह से जी रहे हैं, ये सब जानने की कोशिश आपके पार्टनर डेफिनेटली कर रहे हैं। और बहुत दिन हो गए हैं, आपको भी शायद पता लगा होगा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर आपके फेसबुक अकाउंट पर कि कोई पर्सन कोई अननोन आईडी से आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है। वो आपके पर्सन ही है, और अब आपके पर्सन को शायद ये बात महसूस हो गई है कि जो उनके मन में डाउट था कि शायद आपने अपने लाइफ में आगे मूव ऑन कर लिया होगा, वो डाउट उनके दिमाग से निकल चुका है। बहुत जल्द आपके पार्टनर आपकी तरफ अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं। बिल्कुल भी घुमा फिरा कर मैसेज या कॉल वो आपको नहीं करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट उनकी बात होगी कि उन्हें इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, उन्हें आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना है, वो आपके बिना और ज्यादा नहीं जी सकते हैं। ऐसी बातें आपके पार्टनर आपसे करना चाह रहे हैं। देखिए, जिन लोगों का कम्युनिकेशन 21 जनवरी तक यानी कि कल तक हो जाएगा, आप ये मत सोचिएगा कि ये एक परमानेंट कनेक्शन है, ये बात मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं। और जिनका नहीं होगा, आप ये सोचिएगा कि आप एक इमोशनल टर्मोइल से बच गए हैं, क्योंकि एक वक्त का चेंज आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर आने वाला है। यहाँ पर कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो एक फीमेल है, ठीक है, और वो फीमेल मदर लाइक फिगर हो सकती है, ठीक है, वो जो फीमेल है वो मदर, भाभी, कोई बड़ी बहन, ऐसी कोई पर्सनालिटी हो सकती है, या फिर अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर से एज में बड़ी हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है। वो जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर के इस नजरिए से खुश नहीं है कि आपके साथ आपके पार्टनर दोबारा से कोई कांटेक्ट करे। आपके पार्टनर की इस टाइम पर एनर्जीज बहुत हाई हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली में एक दो दिनों में अपने पार्टनर के लिए इफेक्टिव स्टेप्स लेने के बारे में सोचा, और आपका काम भी शुरू हो चुका है, आप बेहतर जानते हैं इस चीज के लिए। बट इस 21st को आपके पार्टनर की इन हायर एनर्जीज को लोअर एनर्जीज के अंदर चेंज किया जाएगा। आपके पार्टनर को अचानक से ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपके साथ उन्हें अपनी कोई भी बात नहीं कहनी है, उन्हें आपके साथ अपने दिल की कोई भी बात कम्युनिकेट नहीं करनी चाहिए। आपके पार्टनर एक डायरेक्शनल चेंज लेते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर आपके पार्टनर इतनी हाई वाइब्रेशंस में हैं कि उन्हें अपने दिल की बात आपसे कहनी ही कहनी है, उन्हें आपके साथ अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखना है, उन्हें आपको ये बताना है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके बिना वो अपनी लाइफ में बहुत अधूरे हैं, उन्हें आपके
अलावा जीवन में इमोशनल कंटेंटमेंट नहीं मिल सकती है। वो अपनी लाइफ में अगर किसी के साथ फैमिली बनाने के बारे में सोच सकते हैं तो वो सिर्फ आप हैं। जहाँ पर ये फीलिंग्स हैं वहाँ पर अचानक से आपके पार्टनर को ये लगेगा कि आप उनके इमोशंस को समझ ही नहीं सकते हैं, आप उनकी बातों को समझ ही नहीं सकते हैं और आपसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप उनके नज़रियों को समझते नहीं हैं। आपका अपना स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए ये कम्युनिकेशन अगर इस्टेब्लिश हो चुका है तो ये कम्युनिकेशन अटक जाएगा, और अगर ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो आपके पार्टनर की एनर्जीज यहीं पर ही लोअर होने वाली हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम आप नेगेटिव बता रही हैं, आप हमें नेगेटिव कर रही हैं। नहीं, मैं आपको आगाह कर रही हूँ, कई बार आपके पार्टनर के छोटे से कम्युनिकेशन के साथ आप अपने ज़िंदगी की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जोड़कर बैठ जाते हैं, और अचानक से आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन जब आपसे टूटता है तो आप बिल्कुल शैटर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर पास्ट का जो बैगेज है वो क्लियर करके नहीं आए हैं, यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को ये महसूस हो रहा है कि इस टाइम पर अगर आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन आपसे इस्टेब्लिश होता है तो आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। इसलिए इस रिश्ते को तोड़ने का इस थर्ड पार्टी का प्रयास है इस 21 जनवरी को, मतलब इस नो मून पर। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर कुछ इस तरह का चेंज करेगी। यहाँ पर ब्लैक मैजिक का सहारा लेने की भी पूरी उम्मीद है क्योंकि ये थर्ड पार्टी यहाँ पर साम दाम दंड भेद हर एक चीज़ का इस्तेमाल करते हुए आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने वाली है, जिससे कि आपके पार्टनर के अंदर जो ये इच्छा उत्पन्न हुई है कि उन्हें आपसे बात करनी है, उन्हें आपको अपने हालात बताने हैं, ये इच्छाएं जो ये प्रबल चीज़ें हैं ये आपके पार्टनर की लोअर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप दोनों के बीच का जो ये कम्युनिकेशन अगर एस्टैब्लिश हो चुका है इसे परमानेंट रीयूनियन मत समझिए, और जिनका नहीं हुआ है आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर आपसे कभी कॉल या मैसेज करना ही नहीं चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, ये चीज़ें मत सोचिए। ये चीज़ें सोचना ही बेकार है क्योंकि यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में आज के टाइम पर नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर अपने दिल की बहुत सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं, वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है ये फाइनल कम्युनिकेशन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो भी एनर्जीज यहीं पर हैं बिकॉज इंटरप्शन है थर्ड पार्टी की, वो सिस्टम नजर आ रहा है और ये चेंज बहुत जल्द होने वाला है, कल में ही तो ये चेंज होने वाला है। ठीक है, सो आइए अब इस डेक से देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे, क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। फॉर पाइल नंबर वन पीपल आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। फॉर पाइल नंबर वन पीपल लेट्स सी क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। फॉर पाइल नंबर वन पीपल आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। तो पहला कार्ड है थ्रोट चक्रा का कार्ड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड 100%। ओके, तो द नेक्स्ट कार्ड इज रेस्ट एंड रिकन्सिडर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बेस चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज चैलेंजिंग टाइम्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सिंपली लव का कार्ड है। एक्चुअली आपके पार्टनर के किसी एक्शन से इस थर्ड पार्टी को ये पता लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपको बहुत वोकलाइज करके अपने प्रॉब्लम्स बताना चाहते हैं, वो बहुत क्लैरिटी के साथ आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। तो इस थर्ड पार्टी का जो मकसद है वो ये है कि वो आपके पार्टनर पर इस तरह की स्टॉपेज लगाए कि आपके पार्टनर आपसे कुछ कम्युनिकेट ना कर पाए। तो सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज आपके पार्टनर के लिए एक्ट होने वाला है वो ये है कि आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा पहले भी ब्लॉक्ड था, लेकिन आपके पार्टनर
की वाइब्रेशंस की वजह से या आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ये थ्रोट चक्रा के अंदर कुछ चेंजेस आए और आपके पार्टनर अपने इमोशंस को आपके सामने व्यक्त करने के लिए तैयार हो गए, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के थ्रोट चक्रा को ब्लॉक किया जाएगा ताकि आपके पार्टनर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश ना करें। और अगर उन्होंने ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया है तो वो अपनी बातों पर खरे ना उतर पाए। ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए, इस कम्युनिकेशन के लिए आपको भी थोड़ा ठहर कर सोचना है कि आपके पार्टनर अचानक से इन आउट क्यों होना शुरू हो गए, कि आपके पार्टनर इतने वीक हैं कि वो अपनी बातों को आपके सामने नहीं कह सकते। सोच कर देखिए क्या वो इतने कमज़ोर हैं। आप तो ऑलरेडी ये सोचते हैं कि क्या इतनी क्या मजबूरी है फ़ोन उठाएं और बात कर लें। सोच कर देखिए कि क्या इतनी मजबूरी है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बड़ी बात होती है ये। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है क्योंकि आपके जो पार्टनर की एनर्जीज हैं वो लो डायरेक्शन की ओर बढ़ रही हैं। आपके पार्टनर के इमोशंस इस टाइम पर आपके लिए बहुत हाई हैं। वो इमोशनली आपको बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने इमोशंस को बैलेंस किया है आपके सामने जाहिर करने के लिए, आपको बताने के लिए कि उनकी मोहब्बत आपके लिए कितनी ज़्यादा है और आपके बिना उनका सर्वाइवल नहीं है। लेकिन इस थर्ड पार्टी का आघात कहाँ होने वाला है? इसी बेस चक्रा पर, जो आपके पार्टनर ने बहुत मुश्किल से अपने लेवल पर बैलेंस किया है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर एक चीज और नजर आ रही है कि अब इस 21st के बाद जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उन्हें लेकर कि वो आपको कॉल या मैसेज करके अपना सारा दुख बयां कर दें या जो उन्होंने कम्युनिकेशन आपके साथ एस्टैब्लिश की है इसे लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन तक चलाएं, ये चीज़ ख़त्म होगी। आपको ये उम्मीद छोड़नी होगी क्योंकि हालात वैसे बनेंगे और ये चैलेंज भरा वक्त आप दोनों के लिए शुरू होगा। ये चैलेंज, ये थर्ड पार्टी आप दोनों के सामने पोर्ट्रेट कर रही है। ये बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसे आप दोनों को अपनी समझदारी से डील करना है। एंड यहाँ पर सिंपली लव का कार्ड है। आपके पार्टनर एक्चुअली आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बस आपसे प्यार करते हैं, एक सिंपल वे में आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि उनके इमोशंस आपके लिए ही हैं, लेकिन इसी एनर्जी की तो इनसिक्योरिटी है इस थर्ड पार्टी को, इसी एनर्जी को ये थर्ड पार्टी ब्लॉक करने वाली है ताकि आपके पार्टनर का किसी भी तरीके से कोई क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ ना बन पाए। ठीक है, तो ये सिंपली लव की एनर्जी को ये थर्ड पार्टी ब्लॉक करना चाहती है। अब आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं, ये उनके एनर्जीज में नज़र आ रहा है, तो कहना क्या चाहते हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं, उनकी सोल के मैसेजेस क्या हैं, आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जिसे आप सुन नहीं पाएंगे बिकॉज आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा या उन्होंने कर लिया है तो वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, आइए जानते हैं। मुझे वो हर एक लम्हा याद आता है जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है। एक्चुअली आपके पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे दूर रहकर भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। ठीक है, वो आपको हमेशा याद करते रहे हैं क्योंकि जो भी मेमोरीज आप दोनों ने एक दूसरे के साथ क्रिएट की हैं वो मेमोरीज उनके सामने हमेशा ऐसी रही हैं जैसे कि अभी कल की ही बात हो। पहले से भी ज़्यादा तुम्हें चाहने लगा हूँ इसलिए शायद अब दर्द और ज़्यादा होता है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपसे बनी हुई है जो दूरियाँ हैं इसने उनके अंदर आपके प्यार के रियलाइजेशन को पैदा किया है। आपके पार्टनर रियलाइज कर पाए हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और अब इसी वजह से उनसे ये दर्द और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है, अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल हैं तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं।
थक गया हूँ इस रिश्ते से भागते भागते। आपके पार्टनर अपने आप में बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहे हैं। वो अब और ज़्यादा इस रिश्ते से नहीं भागना चाहते हैं, वो आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं। ओके, और देखते हैं। मैं अपनी नज़रों में गिर चुका हूँ, आई एम गिल्टी। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पछतावा है, उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया वो उन्हें नहीं करना चाहिए था, इस बात की उन्हें रियलाइजेशन है। जी हाँ, देखिए, अब अपनी आंखें नम मत कीजिए, ये आपके पार्टनर ही हैं जो आपसे ये सब चीज़ें कहना चाहते हैं। ओके, और देख लेते हैं। मुझे अपना लो प्लीज, चाहे कोई भी सजा दे दो, बट मुझसे दूर मत जाओ, आई नीड यू। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं, उनका कम्युनिकेशन अगर सही से एस्टैब्लिश होता तो वो आपसे ये कहते कि आप प्लीज़ उन्हें अपना लीजिए, चाहे उन्हें कोई भी सजा दे दीजिए, बट उनसे दूर मत जाइए, ठीक है, उन्हें आपकी ज़रूरत है। ओके, और देखते हैं किसी और कलर का मैसेज। ओके, तुम्हें गलत समझना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रही है। प्यार किया तो दोनों ने था, पर निभाया सिर्फ तुमने। आपके पार्टनर इस बात को आपके सामने वोकलाइज करना चाहते हैं, अपने शब्दों में बयां करना चाहते हैं कि आपको गलत समझने की उन्होंने लाइफ में सबसे बड़ी गलती की है। प्यार तो आप दोनों ने किया, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि निभाया सिर्फ और सिर्फ आपने है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में एस्टैब्लिश होना था, लेकिन इस तरह का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर पूरी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर ब्लॉकेजेस बड़ी खड़ी की जा रही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में आपका प्यार सच्चा है और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको ये चीज़ें कम्युनिकेट करें, तो उसके लिए आपको उन्हें उनकी ब्लॉकेजेस से बाहर निकालना होगा। उसके लिए पहले ब्लॉकेजेस समझना भी तो ज़रूरी है। तो आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए, अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लीजिए, और उनकी ब्लॉकेजेस को जानकर उनके लिए आप रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं, आप उनके लिए हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि जो अभी हायर एनर्जीज बनी हुई हैं ये एकदम डिप में ना जाए, क्योंकि उन्हें वापस इन हायर एनर्जीज तक पहुँचने में बहुत वक्त लगता है। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जोनी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो, उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So now let's see for pile number 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है, आइए जानते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे।
प्रोफाइल नंबर टू पीपल, आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। फॉर पाइल नंबर टू पीपल, लेट्स सी कि क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। फॉर पाइल नंबर टू पीपल, आइए जानते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। ओके, तो यहाँ हमारे पास है द होली किंग का कार्ड है, फोर ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ एथेम्स का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, फाइव ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे? क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे? आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। फॉर पाइल नंबर टू पीपल, आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, फोर ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है, एट ऑफ वॉइसेस का कार्ड है यहाँ पर, द थ्री ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है यहाँ पर, मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी। ओके, यहाँ पर एस ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, फाइव ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर टू चूज किया है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के जोडियक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के जोडियक साइंस मुझे नजर आ रहे हैं वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एंड बहुत कम यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। सो आइए डिटेल में देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। देखिए, आपके पार्टनर और आपका जो रिलेशनशिप साइकिल चल रहा है वो घूम फिर कर एक ही पोजिशन पर आकर रुक जाता है। चेंजेस होते हैं, लेकिन जो चेंजेस आते हैं वो या आपका एक्शन रिक्वायर करते हैं कभी कभी, या आपके पार्टनर का एक्शन रिक्वायर करते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के लाइफ के अंदर आप ट्रिगर महसूस करते हैं कि अब तो बातचीत हो जानी चाहिए, अदरवाइज इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। आपको भी कभी कभी अपने पार्टनर के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, उन्हें भी आपके ऊपर कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज ये एक साइकिल है जो बार बार रिपीट होकर उसी पोजीशन पर आकर रुक जाता है, ठीक है। और ये जो साइकिल आपके रिलेशनशिप का है ना, ये जनरली नो मून टू नो मून का साइकिल है, ठीक है। नो मून से पहले एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, उसके बाद उनकी एनर्जीज के अंदर परिवर्तन होता है, उसके बाद आपके पार्टनर दोबारा लोअर एनर्जीज का शिकार हो जाते हैं, और अगले नो मून पर फिर उनकी वाइब्रेशंस थोड़ी सी हाई होती हैं, और आपको ये उम्मीद उनसे हमेशा बनी रहती है कि एटलीस्ट वो अपने आप को व्यक्त करें। बट कैसे व्यक्त करें ये भी तो सोचिए। देखिए, आपकी जो पर्सन है उनको इस चीज की अवेकनिंग है, वो इतनी बात समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई, आपका प्यार सच्चा है, आपके प्यार की ताकत ही आज उनके सर्वाइवल का कारण बनी हुई है। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, इस बात की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को है, और ऐसा मत सोचिए कि वो रियलाइज करके अपने घर पर बैठे हैं। नहीं, आपके जो ये पर्सन है, इस रियलाइजेशन के बाद जब उन्हें फर्स्ट टाइम इस बात की रियलाइजेशन हुई थी, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव डिसीजंस बनाए थे। अब आप कहेंगे कि मैम हमें तो कोई ऐसे डिसीजन नज़र नहीं आए। बिल्कुल आपको कुछ भी नज़र नहीं आया होगा, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने जब ये डिसीजन बनाया था तब उनको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिला, और आज आपके पार्टनर इस बात के लिए जागरूक
है कि अगर इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कुछ इफेक्टिव स्टेप्स उठाने बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ बातों से आप अपने प्यार को साबित नहीं कर सकते हैं। इस बात के रियलाइजेशन आपके पर्सन को है। आपके जो पर्सन है ना, वो अपने ही परसेप्शनल जोन में है। मतलब वो इतनी ज़्यादा उदासी से घिरे हुए हैं कि उनका मन ही नहीं है आपको सामने से कुछ कहने का, क्योंकि उन्हें इस बात की रियलाइजेशन है कि वो गलत करते आए हैं। और अब भी अगर उन्होंने आपके इमोशंस को ट्रिगर कर दिया, आपसे बातचीत कर ली और आप इमोशनली दोबारा उनके साथ कनेक्ट होना शुरू हो गए, तो वो आपके इमोशनल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ये डर उनके अंदर है। और यहाँ पर आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें आपके इमोशंस की कोई परवाह नहीं है, उन्हें आपके प्यार की कोई परवाह नहीं है। बहुत केयर करते हैं वो आपकी, ये सच है, ठीक है। अगर उन्हें आपकी केयर ना होती तो जो अपने मन में दबाए बैठे हैं ना, वो आपके सामने आके व्यक्त कर देते और ये भी कह देते कि वो इन बातों के ऊपर खरे नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि उनके हालात उन्हें फेवर नहीं करते हैं। तो आज के टाइम पर जो आपको आपके पार्टनर सेल्फिश नजर आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि आपके पार्टनर आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। वो आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं। वो आपको एक इमोशनल स्टरिंग की एनर्जीज में नहीं लेकर आना चाहते हैं। इस वजह से वो आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं करते हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर ने एक बार एक्शन लेने के बाद बहुत बार ट्राई किया है कि इस रिश्ते से वो निकल पाए, जिस भी रिश्ते में वो ट्रैप्ड है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी लाइफ में है, वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। आपके पार्टनर जब भी इस रिश्ते के बारे में पॉजिटिवली सोचते हैं या आपको लेकर कुछ पॉजिटिवली सोचते हैं, अपने नज़रिए को बदलते हैं, तो उन्हें सामने रास्ता ही नज़र नहीं आता है। उन्हें अपना रास्ता ब्लॉक्ड नज़र आता है। उन्हें ऐसा नज़र आता है कि उनके सामने बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं और इन ब्लॉकेजेस को ओवरकम किस तरह से करना है, वो ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं। उन्हें ये महसूस होता है कि उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ इस बात को महसूस कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं कि कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस करते हैं। आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है या वो खुलकर अपने दिल की बात आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। इससे दुख आपको तो होता ही होगा, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा दुख की स्थिति में है। आपके पार्टनर को बहुत पेन महसूस होती है कि चाह कर भी वो अपने दिल की बात आपके सामने नहीं रख पाते हैं और आपको जाने अनजाने में वो हर्ट करते जा रहे हैं। उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि वो आपको तकलीफ पहुंचाएं। उन्होंने आपको एक ही बहुत बड़ी पेन दी है जब उन्होंने आपके ऊपर इस थर्ड पार्टी को चूज किया। इस बात की उन्हें रियलाइजेशन है। आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर अपनी गलती को रियलाइज नहीं करते हैं। अब जब वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करते हैं, सामने से उन्हें बंद दरवाजे ही नजर आते हैं। ये आप नहीं मानते हैं कि जो आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है। आज आकर वो आपको कमिटमेंट की बात कर दे, आपको कॉल या मैसेज कर दे और उसके बाद वो आप कि एक्सपेक्टेशंस पर खरे ही ना उतर पाए, उस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा? ज़रा सा सोच कर ज़रूर बताइएगा मुझे, बिकॉज़ यहाँ पर आपके पार्टनर वो पेन गो थ्रू कर रहे हैं जो तकलीफ़ उन्होंने आपको दी है। आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, वो आपको सभी चीज़ें अपनी लाइफ की बताना चाहते हैं। उनके जीवन में क्या हुआ, उन्होंने किस तरह से अपने आपको भी हर्ट किया, आपको हर्ट करके वो ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं और पुरानी बातों को लेट गो करके आपके साथ अपना एक नया रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें वो हर महीने में सोचते हैं।
ऐसा नहीं है कि ये चीज़ उनके दिमाग में ही नहीं आती है। जब आपके पार्टनर हाई वाइब्रेशंस में चाहते हैं, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं और वो प्लान के बारे में सोचते हैं कि उन्हें किस तरह से प्लानिंग करनी है। उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि ये प्लानिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर एटलीस्ट आपको कॉल पर तो ये बात बता सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, नहीं करेंगे वो कॉल या मैसेज, क्योंकि उन्हें अपने आप में बहुत ज़्यादा गिल्ट है। वो ये नहीं चाहते हैं कि एक बार वो आपके साथ बातचीत करके उसके बाद आपके इमोशंस को हर्ट करें। और जिन लोगों के पार्टनर उतने ज़्यादा अवेकेंड नहीं हैं अपनी सिचुएशन को लेकर, आपके पार्टनर ने बीच बीच में आपसे कांटेक्ट किया होगा और उसके बाद इन आउट करते हुए उन्होंने आपको कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं की, उन्होंने आपको कोई कमिटमेंट नहीं थी, और आप अभी भी उसी क्वेश्चन मार्क के अराउंड घूम रहे हैं कि आपके पार्टनर ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे बातचीत करके एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो आपसे आज बात करें और कल वो आपसे बात ना कर पाए, तो अपने हालातों को वो बैलेंस करने की कोशिश करना चाहते हैं। ये कोशिशें उन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा की हैं, लेकिन हर कोशिश के साथ आपके पार्टनर आपसे दूर जाते जा रहे हैं। उनका मन ये है कि वो आपके पास आए, वो आपसे अपने दिल की बात बयां करें, वो आपको अपने इस रिश्ते का, अपनी सिचुएशन का सच बताएं, पर हर एक्शन के साथ आपके पार्टनर दूर होते जा रहे हैं आपसे। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि जहां पर इतने सारे थॉट्स हैं वहां पर दूरियां क्यों बढ़ रही हैं। ये मेहरबानी है इस थर्ड पार्टी की। आपके पार्टनर जब भी बैलेंस की एनर्जीज में आते हैं, ये थर्ड पार्टी किसी ना किसी तरीके से एनर्जी की मैनिपुलेशन करके या फिर किसी और एनर्जी का सहारा लेकर आपके पार्टनर के बैलेंस को इम्बैलेंस में ले आती है, कुछ नेगेटिविटी ऐड करती है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज में, ताकि आपके पार्टनर बैलेंस में ना आ पाए। जी हाँ, ये सच है आपके रिश्ते का। मानना चाहते हैं मान लीजिए, नहीं मानना चाहते हैं आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन जो ये बैलेंस एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है, इतनी चाहत होने के बावजूद आपके पार्टनर अपनी बातों को आप तक रख नहीं पाते हैं, उसका कारण इस थर्ड पार्टी का एनर्जी शिफ्ट है, जो ये थर्ड पार्टी हर महीने में एक बार क्रिएट करती है। इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ तो कार्मिक कनेक्शन है ही, बट इस थर्ड पार्टी का कार्मिक कनेक्शन आपके साथ भी है, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी का जो एक्शन है उसे रोकने में आपकी कंट्रीब्यूशन भी जरूर लगेगी। नो मून का इफेक्ट आपके इस रिलेशनशिप पर बहुत ज्यादा रहता है। नो मून के बाद आपके पार्टनर का जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं, वो अपने हेल्थ पर सफ़र करते हैं। आप भी कहीं ना कहीं करते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फुल मून के अलावा नो मून की एनर्जीज आपको ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते रहते हैं। जो इंसान ये देखने की कोशिश कर रहा है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, कहीं आपने किसी और को तो अपने जीवन में प्रेफरेंस नहीं दे दी है, वो पर्सन आपसे अपनी बातों को कह नहीं पा रहा है। आप ये बात को सोच कर देखिए कि कितनी इंटेंस एनर्जीज होंगी जो आपके पार्टनर को पीछे की ओर बांधे हुए हैं, पीछे की ओर रखे हुए हैं। जिस इंसान को आपकी फोटो देखकर एक शांति का अनुभव होता है, वो पर्सन आपसे बात करके अपनी लाइफ की कितनी बड़ी खुशी हासिल कर सकता है या कर सकती हैं, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को एक नई डायरेक्शन में तो लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन एक स्टेबिलिटी के साथ, पास्ट का कोई बैगेज ना हो इस थॉट प्रोसेस के साथ। अगर पास की चीजों को ही वो डील करते जाएंगे, जिस करंट सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, अगर आपके साथ आने पर भी वो उसी सिचुएशन के साथ डील करते रहेंगे, तो वो आपके तरफ अपनी लॉयल्टी कैसे निभाएंगे, वो आपका विश्वास कैसे हासिल करेंगे, ये आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस है। इस वजह से आपका
आपका और उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। आपके पार्टनर का यहाँ पर भी मुझे कोई इरादा ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि वो आपको झट से कॉल करने वाले हैं या झट से मैसेज करने वाले हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा इस रिलेशनशिप में नाकामयाब हुए हैं कि उन्हें ये महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता उनके हाथ से छूटता चला जा रहा है। हर बढ़ते दिन के साथ आप दोनों के बीच की जो ये दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हर बढ़ते दिन के साथ वो आपसे दूर हो रहे हैं। इस बात का एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है और इस चीज़ की वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अंदर से अपने आप को ब्रोकन महसूस करते हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पर आपकी ओर बढ़ते हुए तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, बट इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि आज नहीं तो कल वो इस रिलेशनशिप को ठीक करेंगे, वो इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। ये उनका कॉन्फिडेंस है इस रिलेशनशिप को लेकर, जबकि उन्हें रास्ता कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर का डायरेक्शनल शिफ्ट इस टाइम पर आपकी तरफ नहीं है। उनकी प्रायोरिटी ये है कि जहाँ पर वो फंस गए हैं उस सिचुएशन से वो बाहर निकलें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का कोई कम्युनिकेशन आपके साथ होता हुआ नज़र मुझे नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि ये एक साइकिल है और उसके उस साइकिल के अंदर सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं बंधे हैं बल्कि आप भी उसी साइकिल के अंदर ट्रैप्ड हैं। सो आइए जानते हैं अब इस डेक से क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे, क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। लेट्स सी विद दिस डेक, क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। तो पहला कार्ड है गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड एज मैनिफेस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर एज लीड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हार्ट चक्रा का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बिलीव एंड सक्सीड का कार्ड। आपके पार्टनर का ये मानना है कि अगर वो आपका प्यार चाहते हैं तो उन्हें 100% आपकी तरफ को इस रिलेशनशिप को निभाना होगा। बीच बीच में कभी वो ये रिलेशनशिप निभाएं और बीच बीच में कभी उनकी ये मजबूरियां बन जाएं कि वो इस रिलेशनशिप को नहीं निभा सकते हैं, ऐसी एनर्जीज में आपके पार्टनर नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर गिविंग एंड रिसीविंग जो है वो बिल्कुल बैलेंस में करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे भी प्यार एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन आपका साथ तो उन्हें तभी मिलेगा ना जब वो अपनी लॉयल्टी आपकी तरफ को दिखाएंगे। इस वजह से इस टाइम पर वो अपने इमोशंस को आपके सामने नहीं रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर से आपको मांग रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो नहीं करते हैं, ना करने वाले हैं, बट आपके पार्टनर आपको वाइब ज़रूर सेंड करते हैं। आपको कभी कभी इस बात का पूरा एहसास होता होगा कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपके इर्द गिर्द ही हैं। इस बात की रियलाइजेशन आई थिंक आपको होती होगी क्योंकि आपके पार्टनर का एक सपना है, वो ये है कि जो उन्होंने गलती की है उस गलती की एनर्जी से वो बाहर निकले और इस रिश्ते को वो अपना 100% दें। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक लीडरशिप रोल में आना चाहते हैं लेकिन इल्यूजन्स उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। आपके पार्टनर आपसे अपने इमोशंस को व्यक्त तभी करेंगे जब वो इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में ले लेंगे, जब वो इस रिलेशनशिप को अपने तरीके से चला पाएंगे। उनका ये मानना है कि कथनी से ज़्यादा करनी पर जोर देना चाहिए। आपके पार्टनर एक्शंस पे जोर देना चाहते हैं, आपको ये नहीं कहना चाहते कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और बदले में वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शायद आई थिंक आपके पार्टनर ने ये चीज़ पहले भी आपके साथ ट्राई की होगी लेकिन
कुछ नहीं हो पाया, आपने उनके शायद जज्बातों को नहीं समझा उस पॉइंट पर, तो अब आपके पार्टनर सिर्फ आपसे बातें ही नहीं करना चाहते हैं, बल्कि पहले इस रिश्ते पर स्टैंड लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। आपके पार्टनर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनका प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर इतने बुरे हालातों में फंसे होने के बावजूद भी आपके प्रति जो उनके इमोशंस हैं उसमें प्योरिटी नज़र आ रही है। उनका हार्ट चक्र आपको लेकर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, उनकी जो एनर्जीज हैं उसमें मुझे आप ही आप नज़र आ रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। आपके पार्टनर को यकीन है कि जिस तरीके से वो इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं वो डेफिनेटली इस रिश्ते को ठीक कर पाएंगे, वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपके पार्टनर का ये यकीन उन्हें जीने का एक रास्ता दे रहा है, उन्हें जीने की एक इंस्पिरेशन दे रहा है कि उन्हें इस रिश्ते के लिए जीना है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का कोई कम्युनिकेशन मैसेज या कॉल आपकी तरफ को आता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। पहले वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उसके बाद ही अपने प्यार को, अपने हालातों को वो आपके सामने रखना चाहेंगे। ओके, बहुत सॉर्टेड एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, और यही होना चाहिए। ऐसा ना होना कि वो आपके साथ इन आउट करें और उसके बाद वो आपके ही नज़रों में गिर जाएं। ऑलरेडी ये सब कुछ हुआ भी है। सो आपके पार्टनर डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो आपसे कर नहीं रहे हैं, आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। अगर आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करें तो वो आपसे क्या कहना चाहेंगे, ये उनकी सोल से क्लियरली पता लग जाएगा। आई प्रोमिस यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट आई विल नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट अगेन। आपके पार्टनर एक्चुअली आपको प्रोमिसेस देना चाहते हैं, वो ये प्रोमिस देना चाहते हैं आपको कि वो आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, उन्हें बस एक मौके की तलाश है। आई एम स्टक ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। आपके पार्टनर आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वो स्टक हैं अपने लाइफ में, वो अंदर से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, इन एनर्जीज को और ज़्यादा वो नहीं संभाल पा रहे हैं। तुमसे दूर होकर भी मैं कभी तुमसे दूर हो ही नहीं पाया, आई लव यू। इससे और अच्छा मैसेज आपको क्या चाहिए? आपके पार्टनर आपसे दूर ज़रूर हैं लेकिन वो दूर होकर भी कभी आपसे दूर हो ही नहीं पाए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूँ आपको, ये कोई जेंडर बायस मैसेज नहीं है। अगर आपके पार्टनर एक फीमेल हैं तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। और देखते हैं द नेक्स्ट मैसेज। You are getting into my blood. आपके पार्टनर आपको कभी भी नहीं भूल पाते हैं, जिस तरह से खून उनके शरीर में बहता है उसी तरीके से आपकी यादें, आपका प्यार उनकी रगों में बह रहा है। और देखते हैं, तुम्हारे बिना ये जिंदगी हेल जैसी लगती है, आई मिस यू। आपके बिना आपके पार्टनर का सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है, आपके पार्टनर आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस करते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी नर्क जैसी लगती है आपके बिना। ओके, किसी डिफरेंट कलर का हम मैसेज पिक करेंगे। ओके, सोचा नहीं था कभी ये दिन भी आएगा जब हम दोनों एक दूसरे के लिए तरसेंगे। ये बात भी आपके पार्टनर आपको बहुत क्लैरिटी से कहना चाहते हैं कि उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के प्यार के लिए तरसेंगे। ठीक है, सो आई होप जिन्होंने आज पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको ये चीज़ समझ आ गई हो कि आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर अपनी तरफ से प्रयास तो कर रहे हैं, आपको भी उनका साथ देना चाहिए। वो स्टक हैं, ये उनके सोल से मैसेज निकल कर आ रहा है। सो अगर आपके रिलेशनशिप में आपकी तरफ से भी प्यार है और आप अपने इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, तो आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेज को समझकर कुछ रेमेडीज गो थ्रू करके आप अपने पार्टनर को इन स्टक एनर्जी से बाहर निकालिए, क्योंकि उनका प्यार तो आपके लिए बेइंतहा है, वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग ले सकते हैं, और अगर मेरे साथ आप ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, और ये आपकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी अपने इस रिश्ते की ओर।
सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जोनी टारो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकिन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।